हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ब्राउन पाव। इसे हम बनाएंगे बिना ईस्ट और बिना मैदे के। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और इसे हम बनाएंगे कढ़ाई में। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर वीडियो फ्रॉम कुकिंग विद पिंकी। के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप आटा। ये ऐसे 2 कप आटा हम लेंगे, 1 कप पानी, 3 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून दूध, 1.5 टीस्पून इनो, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून नमक। अब सबसे पहले हम ये आटा एक बाउल में लेंगे। 1 कप हमने पहले से इसमें लिया है, इसमें ये 2 कप भी डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे दही, नमक, चीनी, इनो, ऑयल हमें अभी नहीं डालना है और दूध भी हमें इसमें नहीं डालना है। इन सबको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये इस तरह से हमने इसको एकदम सॉफ्ट डो तैयार किया है। इसे हमने लगभग 10 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से गूंथा है। लगभग 10 मिनट इसे हमें अच्छे से गूंथना है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब ऑयल डाल के इसे हमें वापस से लगभग 8 से 10 मिनट तक अच्छे से घूटना है। ये देखिए, ये 8 से 10 मिनट इसे हमने अच्छे से घूट लिया है। ये एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से पहले से डिवाइड कर लेंगे, फिर हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इनको ये शेप दे दिया है पाव का। अब हम इसे बेक करेंगे। उसके लिए हमने ये कढ़ाई ली है, उसे हमने पहले से प्री हीट करके रखा है। अब उसमें हम इस तरह से इसको रख देंगे और इसे ढक देंगे और लगभग 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रशिंग करेंगे, दूध की ब्रशिंग की हमने। ये इस तरह से अब हम इसे ढक देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देंगे। ये हमारे ब्राउन पाव तैयार है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। हमारे पाव तैयार है। ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट बने हैं एकदम। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।